के ऊपर हमला किया। औरतों को मारना इस्लाम ने मना है, बजुर्ग उस औरत के जो कुफार के साथ जंग में शरीक हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिसात और मैं हूं नासिर हबीब। अपने दिलकश लिबास और खूबसूरत सकाफत की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम पॉजिटिव तौर पर फैलाने वाले, वजह शोहरत बनने वाले एक छोटे से कबाइल के लाश को तालिबान ने धमकी दी है कि या तो वो मुसलमान हो जाएं या मरने के लिए तैयार हो जाएं। इस धमकी के बाद उन 3,500 लोगों में छोटा सा कबाइल है कैलाश का और इस्माइली फिरका जो वहां पे है, उनके अंदर खौफ और हिरास पैदा हो गया और बहुत से लोग वहां से इलाका भी छोड़ रहे हैं। इंटरनेशनली नोन रिलीजियस स्कॉलर खानम तैयबा बुखारी को तालिबान ने धमकियां दी हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। और अभी आपने तालिबान के तर्जमान शाहिदुल्ला शाहिद का वीडियो मैसेज सुना ही है कि वो फख्र महसूस करेंगे अगर वो मलाला यूसुफजई को कत्ल करने में कामयाब हुए। आज हम बात करेंगे कि क्या इस्लाम में कमजोर अकलियतों को जबरदस्ती मुसलमान बनाने की इजाजत है, और हम बात करेंगे क्या इस्लाम में उन खवातीन को कत्ल करने की इजाजत है जो आपके नजरियात से इत्तफाक न करती हूं। इसके अलावा बात करेंगे कि अगर तालिबान की शरीयत नाफिज होती है हमारे मुल्क में तो अकलियतों और खवातीन के हकूक क्या, इस पे कुछ सवालात खड़े होंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में मुफ्ती कफायतुल्ला साहब, जो कि मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के रहनुमा सीनियर। उसके अलावा इनकी वजह शोहरत यह है कि तालिबान ने मुफ्ती साहब का नाम रिकमेंड किया था, एतमाद किया था कि उस कमेटी के रुकन बने जो डायलॉग करेगी हुकूमती कमेटी के साथ, लेकिन मुफ्ती साहब ने अपने अमीर की अतात करते हुए वो उस कमेटी का हिस्सा नहीं बने। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे मुल्क से जिसका मैं शायद नाम भी यहां नहीं लेना चाह रहा, खानम तैयबा बुखारी साहबा, इंटरनेशनली नोन रिलीजियस स्कॉलर, हमें फोन पर उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया खानम साहबा हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया। और मेरे साथ फोन लाइन पे अभी हमें ज्वाइन करेंगे राना सनाउल्ला साहब, जो कि वजीर कानून है पंजाब। खानम साहबा, पहले तो ये बताइएगा, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा कि आप किस मुल्क में हैं, क्यों कर छोड़ा आपने पाकिस्तान? देखिए बात ये है कि नासिर साहब आपको मालूम है कि मेरी गाड़ी को भी टारगेट किया गया, और उसके बाद मेरे जाती ताल्लुक में तो जो वज़रा हैं उनके जाती ताल्लुक से तो टेलीफोन आए मेरी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, लेकिन हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए किसी की जानिब से कोई टेलीफोन कॉल मौसूल नहीं हुई। और ये बात मैं आपके प्रोग्राम में पहले बता चुकी, नाअहली इस हद तक पहुंच चुकी है कि अरबाब इख्तियार समझते हैं कि उनकी सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि वो इजहार अफसोस कर लें जब वाकया गुजर जाए, यानी कोई मर जाए, या ताजियती बयान जारी कर दें और साथ ये कहते हैं कि दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुज़श्ता कई सालों के अखबार उठाकर आप देख लें, हर रोज अखबार में ये बयान रोजाना की बुनियाद पर दिखाई देगा कि दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फिर मजे की बात यह है कि बर्दाश्त किया भी जाता है और बयान जारी भी होता है, फलिजा ये अल्फाज अपनी कदरों कीमत खो चुके हैं। और अल्फाज की अपनी कदरों कीमत खोने का माना यह है कि अरबाब इख्तियार की जबाने भी कदरों कीमत हो चुकी हैं और अपना एतबार खो चुकी हैं, और जिनकी जबाने अपना एतबार खो दें और जिन शख्सियात पर लोगों का एतमाद खत्म हो जाए, ऐसे लोगों को किसी अहम जिम्मेदारी के लायक गर्दाना नहीं जा सकता और उनके इख्तदार में रहने के हक को तस्लीम नहीं। लेकिन आपको धमकियां कहां से आई और क्या किसी हुकूमती अहलकार से आपने राबता किया? मैं आपसे गुजारिश कर रही हूं ना कि मैंने राबता करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, पहले तो राणा सनाउल्ला और मैंने इनको SMS टेक्स्ट भी किया मेरी कोऑर्डिनेटर ने कि खानम तैयबा बुखारी राबता करना चाह रही हैं और बहुत बुरे हालात हैं, गंभीर हैं, किसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद फिर मैं मुसलसल कॉलिंग करती रही, तो यहाँ पाकिस्तान से बाहर आने के बाद इन्होंने मेरी कॉल उठाई और कहा कि हाँ मैंने आपका SMS पढ़ा था। इनके कोऑर्डिनेटर्स को भी पैगाम दिए जाते रहे और आपको मालूम है कि कितने हफ्ते गुजर गए हैं और मेरा घर शदीद खतरे की जद पे है, धमकियों पे धमकियां आ रही है। वजीरे दाखला से भी आपका रब्ता हुआ 14 निसार का, या आपने रब्ता करने की कोशिश की वजीरे दाखला? वो IB की रिपोर्ट हमें भिजवा दें। मैंने इनसे कहा कि आप कोऑर्डिनेटर से अपने PS से कह राबिता कर लें, उसके नंबर भिजवाए, मगर किसी ने अब तक कोई राबिता नहीं किया। अच्छा, आप खानम साहबा मेरे ही प्रोग्राम में थी एक दफा, तो राणा सनाउल्ला साहब भी दूसरी लाइन पे थे और आपने बताया था 20 दिन पहले कि जी आपको थ्रेट्स हैं आपका मुल्क छोड़ने से पहले, लेकिन राणा सनाउल्ला साहब ने कहा था कि मैं आज ही पिंडी के जो RTO हैं उनको कहूंगा कि आपको सिक्योरिटी दें, तो क्या उन्होंने सिक्योरिटी दी आपको? इस तारीख के इस लम्हे तक किसी ने मेरे किसी स्टाफ से, किसी कोऑर्डिनेटर से, मुझसे राबिता नहीं किया, बल्कि हमने खुद राबिते करने की कोशिश की थी और
और एसपी रिफत के पास पहले से मेरी वो लेटर्स और वो चीजें सारी मौजूद हैं, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया वहां से। तो राणा साहब ने नहीं किया। नाजरीन, हम आपको, मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो दिखाएं वो कन्वर्सेशन जो मेरे प्रोग्राम में हुई थी। खानम तैयबा साहबा ने कहा था कि उनको थ्रेट्स हैं, जबकि राणा सनाउल्ला ने कहा था कि वो आज ही, आज से मुराद 26 जनवरी, आज से 20 दिन पहले राणा साहब ने कमिट किया था कि वो आज ही वहां के जो पुलिस चीफ हैं पिंडी के उनको कहेंगे। तो वो कन्वर्सेशन देखिए जरा। राणा साहब ने जो मेरे साथ इजहार हमदर्दी किया, इनका बहुत शुक्रिया, लेकिन जो लोग हुकूमत में होते हैं उनके इजहार हमदर्दी का ये तरीका नहीं होता। वो फोन करके पूछते हैं कि आपको सिक्योरिटी कितनी चाहिए। मेरी जो पहली सिक्योरिटी पिछले 10 साल से मुझे मुख्तलिफ हुकूमतों ने दी थी वो विड्रॉ कर ली गई है। मेरे पास फोरी सिक्योरिटी नहीं है, मेरा घर खतरे के वक्त से बिल्कुल करूंगा। और अगर आप उनका जो आप बाद में जैसे बता दूंगा अभी उनकी रावलपिंडी में रहा है, तो मैं आज ही आरपीओ रावलपिंडी से कहूंगा कि वो उनसे रास्ता करो, रास्ता करके उनकी उनके साथ बात करो और उनको जो भी खर्च है या उनको जो उनकी स्कूटी की जरूरी है मैं उसे बिल्कुल कहूंगा कि वो उसको जो है पूरा करे। नाजीन, अभी आपने कन्वर्सेशन देखी, इसी प्रोग्राम में राणा सनाउल्ला साहब ने कमिट किया था, तो वो खानम साहबा बता रही हैं कि उनको कभी कॉन्टेक्ट नहीं किया गया। मुफ्ती साहब, सर आपकी जमात भी हुकूमत का हिस्सा है, अभी आपने देखा 20 दिन पहले राणा सनाउल्ला साहब ने वादा किया कि वो कहेंगे पुलिस को, और आज ये रिजल्ट निकला कि खानम तैयबा इस वक्त किसी मुल्क में खुफिया, मतलब बता नहीं मैं सकता किसी मुल्क में बैठी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारा मौकफ जानने का एक मौका फराहम किया है। मैं खानम तैयबा साहब की मुल्क बदरी पर बहुत ज्यादा अफसोस करता हूं, और हुकूमत अगर एक खातून और सिन्फ नाजक और मोहतरम को वो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती तो इसका माना यह है कि फिर जंगल का कानून है, और जब जिम्मेदारान ने खुद वादा किया है तो इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर वो बैरून मुल्क से उनसे बात होती है, ये तो पूरे मुल्क के लिए अफसोस की बात है कि एक खातून को हम महफूज नहीं कर सके और अपनी हिफाजत के लिए वो मुल्क से भाग गई है, ये अच्छा मैसेज नहीं है। और सर, इसी प्रोग्राम में 20 हमने इन्होंने ये इजहार किया था, अभी आपको सुनाया भी है कि इनकी जान को खतरा है, तो कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। मैं अर्ज करता हूं, तो मैं ये समझता हूं कि सिक्योरिटी लिफ्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन जब ऐसी चीज सामने आ जाए कि उनको खतरा है तो फिर तो खसूसी तौर पर उसको सिक्योर करना चाहिए और उसको महफूज बनाना चाहिए। इनकी गाड़ी पे हमला हुआ सर, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, इनकी गाड़ी पे हमला हुआ जब ये रास्ते में ही मुतान कटी, और हमने मीडिया पे गाड़ी का नंबर बताया, सब कुछ बताया, न्यूज़ फिर तो रही। मैं समझता हूँ कि एक मुजरिमाना गफलत है पंजाब हुकूमत की तरफ से, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जिक्र किया कि हम भी गवर्नमेंट में हैं, तो आपको भी अंदाजा है हम होते हैं गवर्नमेंट में लेकिन स्टेक होल्डर नहीं होते। हाँ, अभी तक हम पार्टनर हैं, वजारतें नहीं मिली, तो जब कोई अच्छाइयां होती हैं तो वो सारे जाते स्टेक होल्डर्स को, और खुदा ना खासा कोई ऐसी बदनामी आ जाती है तो उसके लिए फिर आप हमें भी कोसते रहते हैं कि आप भी गवर्नमेंट में हैं। नहीं, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि जिसकी जितनी जिम्मेदारी है वो उसका इतना एहसास करे। यहां पर वजारत दाखिला है सूबे की, लैंड ऑर्डर सूबे का मसला है। मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर मुजरिमाना गफलत हुई है, और अब हुकूमत को ऐसा करना चाहिए कि उनको दावत देनी चाहिए कि वापस आ जाएं, हम आपको मुकम्मल हिफाजत देंगे, और एक सैंपल सामने आना चाहिए कि हमारे यहां से कोई खातून इस तरह। मेरे पास कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, अगर कोई हुकूमत का जिम्मेवार अहलकार प्रॉमिस करे मुझसे राबता करे तो मैं उनको फिर थ्रू कर सकता हूं जिस मुल्क में है खानम साहबा, ताकि अगर वो अश्योर करें कि उनकी सिक्योरिटी ये ना हो, 20 दिन हो गए राणा साहब की तरह गायब ना हो जाए। मुफ्ती साहब, एक दूसरा मसला, आपको पता है जो कैलाश कबीला है वो पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान के लिए मस्बत एक उसकी रेप्यूट बनता है। मैं खुद सीएनएन के लिए जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हम लोग वहां पे गए, बीबीसी, अल जजीरा, दुनिया के जितने बड़े न्यूज चैनल हैं रेगुलरली वहां पे जाते हैं, पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जाता है उनके कल्चर की वजह से, उनका खास लिबास की वजह से। अब वहां पर तालिबान ने उनको थ्रेट दी है कि या मुसलमान हो जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? नासिर, सवाल इस तरह होना चाहिए, क्या इस्लामी माशरे के अंदर अकलियत महफूज है या महफूज नहीं है, ये सवाल है। तो मेरी बात भी गलत हो सकती है और आपकी बात भी गलत हो सकती है। हर वो बात गलत है जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद न हो, हमें वहां से रहनुमाई लेनी चाहिए। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, कि नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में माशरती पहलू जो है वो हमारे लिए नमूना है।
میں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک واقعات بتاتا ہوں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دعوت دیتے, سب سے پہلے آپ جہاد نہیں کرتے, اور دعوت کے ذریعے اسلام کی خوبیاں بتاتے. یہ خوبی ہے, یہ آپ کے مذہب میں یہ خوبی نہیں, آپ آ جاؤ. اور اگر دوسرے ملک نہیں, اپنی اقلیتوں کو اپنی یعنی آپ کے انڈر ہوتی تھی, ان کے سامنے جب بات جاتی ہے نا, اس وقت اس طرح انتظامی وحدتیں نہیں تھی. اس کے بعد وہ آدمی, وہ قبیلہ انکار کرتا. پتہ ہے اس جملے کا کیا معنی ہے؟ کہ سامنے بیٹھے ہوئے ایک شخصیت کا انکار ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خدا نہیں مانگ رہے. کتنی بہت بڑی بات ہے, نعوذ باللہ, کتنی بالکل. ہاں, یعنی انہوں نے سامنے انکار کیا, سامنے بھی انکار ہوتا رہا, اس کے باوجود بھی تو آپ اس خیال میں نہیں آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نہیں, اگر آپ معاہدہ کرتے ہو اور اپنا الگ عقیدہ رکھنا چاہتے ہو تو اس کی گنجائش موجود. اور معاہدہ بھی کس طرح, کہ یہ جگہ ہمارے لیے سیکور کرنا مشکل ہے, آپ فلاں جگہ چلے جاؤ. دشمن ہم پہ حملہ کرے گا, آپ ان کی جاسوسی نہیں کرو, ان کی مدد نہیں کرو, آپ ہمارے ساتھ رہو. اور پھر یہ بھی بتایا کہ جب یہ لوگ یہ خراج ادا کریں گے, جزیہ ادا کریں گے, یہ ٹیکس پے کریں گے, تو اس کے بدلے میں ان کی جان, مال اور آبرو محفوظ ہوگی. لیکن بلکہ یہاں تک تو یہی الزام لگا ہے, طالبان کہتے ہیں کہ وہ مغربی ایجنٹ ہیں. میں عرض کرتا ہوں, یہ جو کہا ہے نا کہ ان کی جان, مال اور آبرو کی حفاظت ہوگی, اور ایک جگہ تو یوں فرمایا کہ یہ ان کا خون اتنا ہی محترم ہے جس طرح کے مسلمان کا محترم ہے, یعنی اس میں فرق نہیں ہوگا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اقلیتوں کے لیے حفاظت تھی اور اقلیت وہاں پر رہتے تھے, تو اس کا معنی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی قرآن و سنت کی بنیاد پر معاشرہ بنائے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پہلو کو سامنے رکھ کر اقلیت کو محفوظ بنائے گا. بلکہ خون مسلمان کے خون کے برابر ہے. ہاں, بلکہ بالکل اسی طرح اس کا احترام ہونا چاہیے جس طرح مسلمان کے خون برابر ہے. آپ نے بڑی پیاری بات کی. ناظرین, ایک مختصر صاحب دیکھ لیتے ہیں, اور بریک کے بعد خانم طیبہ بخاری صاحبہ جو کہ ایک معروف ریلیجیس سکالر ہیں, ان سے بھی پوچھیں گے کہ جو کیلاش اور اسماعیلی فرقوں کے ساتھ جس طرح کی دھمکیاں دی گئی ہیں, اس کی اسلام میں کتنی حد تک اجازت ہے. ویلکم بیک ناظرین. معروف ریلیجیس سکالر خانم طیبہ بخاری طالبان کی طرف سے دھمکیاں ملنے کے بعد ملک چھوڑ چکی ہیں, اور 20 دن پہلے ہمارے ہی پروگرام میں رانا ثناء اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو پوری سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. آج سے 20 دن پہلے آج کے پروگرام میں بھی رانا ثناء اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ پروگرام میں ہوں گے ہمارے ساتھ فون لائن پہ, لیکن ابھی تک ہم بار بار کوشش کر رہے ہیں, ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. تو خانم صاحبہ میرے ساتھ ہیں, آپ کیا کہیں گے یہ جو کیلاش قبیلے کے ساتھ ہوا ہے, جس طرح کی دھمکیاں دی گئی ہیں ان کو, کہ آپ بھی ریلیجیس سکالر ہیں, اس طرح اسلام قبول کروانا اور وہ بھی کمزور اقلیتوں سے آپ کے ملک میں, کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیے ناصر بھائی, بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں خالق کائنات نے انبیاء اعظم الہی کو, جو اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو ہم تک پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہیں, ان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. آپ پڑھتے ہیں قرآن میں, وما علینا الا البلاغ, ہمارے اوپر پہنچانے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں, عمل کروانا ذمہ داری نہیں ہے, پہنچانا ہے اسلام کے پیغام کو. اور پھر آگے کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اور اس آیت کا شان نزول ہے کہ کچھ افراد آئے اور انہوں نے کہا کہ خاندان کے کچھ افراد جو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور کچھ نے نہیں کیا تھا, تو انہوں نے کہا کیا کیا جائے, تو آیت نازل ہوئی کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے, ان پہ تم سختی نہیں کر سکتے کہ تم اسلام کو قبول کر لو. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو اقلیتیں مسلم معاشروں میں رہتی ہیں, تو مسلم معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کیا جائے, ان کی عزت, ان کی ناموس, ان کی آبرو, ان کا مال, ہر چیز کی حرمت کا خیال رکھا جائے اور خود سے زیادہ ان کی حفاظت کی جائے. جی اچھا مفتی صاحب, اگین ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو, دیکھے رانا صاحب نہیں آئے اور انہوں نے کیا, اور ابھی خانم صاحبہ کسی اور ملک سے, مجھے اجازت نہیں ہے ملک کا نام بتانے کی, وہاں سے بات کریں. تو آپ بتائیے گا کہ جب شریعت ہوتی ہے تو خواتین کے کتنے حقوق محفوظ ہوتے ہیں اس ملک میں,
क्या खातून वोट कास्ट कर सकती है, क्या खातून ड्राइविंग कर सकती है? अब जिस तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है, इस मसले का बुनियाद तो पर्दा है ना। जब पर्दे का तस्वीर सामने आता है तो ये सवाल आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक खवातीन का एक अहम रोल है मुस्लिम माशरे में और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जब आप अलैहिस्सलाम के जमाने में जंग के मौके पर खवातीन गई हैं और आपके जमाने में उन्होंने तीमारदारी की है मुजाहिदीन की और पानी पिलाया है और मदद की है, जैसे तस्वर सामने आता है ना। जब ये तस्वर सामने आता है तो फिर ये बात कहां से आ जाती है कि ये काम नहीं कर सकते? ठीक है, उनकी बनावट या साख जो कुदरती तश्कील है उसमें उनकी जिम्मेदारियां कम है, ज्यादा जिम्मेदारी तो मर्द की है, इसलिए कि बीवी या माँ होती है तो बेटे की जिम्मेदारी बनती है, अगर बीवी है तो खाविन की है और अगर वो बेटी है तो बाप की है। ये चीजें अभी जगह पर है तो वोट कहां भी होगा। मैं अर्ज करता हूँ, लेकिन अगर वो ये इस चीज को सामने रखें कि आप बाहर जाकर काम करें तो इस पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। एक बात नहीं है काम करने, ये सवाल इसलिए उठता है ना कि हमारा जो लिबरल तबका है ना, इन्होंने फिर हया के सारे हदूद तोड़ दिए। जब ये हदूद टूट गए तो वहां से एक रद्द अमल पैदा हुआ, उस रद्द अमल का ये जवाब हुआ। मुफ्ती साहब, हमारा जो तालिबान का शरी निजाम वो लाना चाहते हैं मुल्क में, वो कितना करीब होगा? क्योंकि आप उनके बड़े करीब रहे हैं तालिबान के, आप उनकी लीडरशिप बहुत दफा मिल चुके हैं, क्या वो सऊदी अरब वाला निजाम लाना चाहते हैं यहाँ पे? नहीं, उसकी सही ताबीर तो नहीं की जा सकती, इसलिए कि अफगानिस्तान के अंदर एक मॉडल था 5 साल तक के लिए, लेकिन वो भी बेचारे जंगी पोजीशन में थे, इस्तेरारी हालात के अंदर थे। ये नहीं कहा जा सकता कि फलान चीज उनके यहाँ मना थी और उसके लिए वो ऐसा करना चाहते थे। तो सऊदी अरब में आप समझते हैं इस्लामी निजाम है ना? मैं ये समझता हूँ कि अगर आजकल कोई मॉडल है, रोल मॉडल, तो आप मलेशिया, ईरान और सऊदी अरब, इन तीनों को मिलाकर जो चीज आप बनाएंगे, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के खित्ते और उसकी मिट्टी और उसके आवाम के ऐन मुनासिब होंगे। खानम साहब मुझे बताइएगा, सऊदी अरब में एक अभी वाकया हुआ है कि वहां जो इनका सीनियर उलमा कौंसल नाज़रीन सऊदी अरब में वो बॉडी है जो फैसले करती है मजहबी फैसले, तो उस उलमा कौंसल ने फैसला दिया है शेख कैसल मुबारक ने कि खवातीन डॉक्टर मर्द डॉक्टरों से कभी इलाज ना करवाएं। तो हुआ ये कि मक्का के अंदर एक यूनिवर्सिटी में एक लड़की की डेथ हो गई, इसलिए कि जब वो उनको उनके यहां कोई फीमेल डॉक्टर नहीं थी तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मेल डॉक्टर अंदर नहीं आने दिया, सिर्फ इसलिए कि मेल डॉक्टर से पर इलाज करवाना सऊदी अरब के अंदर मना है बकौल इस सीनियर उलमा कौंसिल के। तो खानम साहबा, क्या सऊदी अरब एक आइडियल इस्लामी मुल्क है कि पाकिस्तान उस तरफ? जी, ये इस्लाम तो हयात बख्श दीन है ना, जिंदगी अता करता है, जिंदगी छीनता तो नहीं है। इंसान जब इज्तिरारी कैफियत में हो तो उसको सुअर का गोश्त तक खाने की इजाजत दे दी कि अगर वो मर रहा हो भूख से तो वो अपनी भूख का इजाला कर ले। तो इस तरह से तो नहीं है कि खातून मर्द से इलाज नहीं करा सकती। हाँ, अगर उसके पास अवेलेबल हो खातून डॉक्टर तो फिर उसको चाहिए कि वो उसी से इलाज कराए, लेडी डॉक्टर से कराए, मगर अगर नहीं है तो फिर उसको मर्द से कराना चाहिए। तो मर्द से करा सकते हैं, और ये जो वाकया हुआ है तो आप समझते हैं सऊदी अरब का जो इस्लामी निजाम है, सो कॉल्ड इस्लामी निजाम, वो कहते हैं कि ये आइडियल है बाकी इस्लामी मुल्कों के लिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती, और बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनकी आप राय ले सकते हैं कि सऊदीया में मुकम्मल इस्लामी निजाम नहीं है, वहां पे सख्ती पाई जाती है, शिद्दत है, तशद्दुद है। जी मुफ्ती साहब, इसके ऊपर थोड़ा सा, एक वहां पे लड़की यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी जो भी मैंने वाकया बताया, तो उसकी डेथ हो गई सिर्फ इसलिए कि वो मेल डॉक्टर से इलाज नहीं करवा सकती, ये उनकी कौंसिल ने फैसला दिया है सीनियर उलमा कौंसिल के शेख कैसल मुबारक ने। नासिर, मैं इस्लाम का जो अमूमी मिजाज है वो आपके सामने रखता हूँ, मोटिलिटीज में नहीं जाऊंगा, इसका वक्त नहीं होगा। इस्लाम का जो अमूमी मिजाज है उसके अंदर गुंजाइश बहुत ज्यादा मौजूद है, और अमूमी हालात को इस्तेदारी हालात पर कभी कयास नहीं किया जा सकता। रियासत की जिम्मेदारी है कि खातून जिस तरह बेहतर तरीके से, एक खातून डॉक्टर को अपना सब कुछ बता सकती है और वो दर्द और तकलीफ बता सकती है, वो मर्द को नहीं बता, दरमियान में एक हयात मौजूद है। रियासत की जिम्मेदारी है कि उनको प्रोवाइड किए जाए खवातीन डॉक्टर और, लेकिन बिलफर्ज और तकदीर अगर ऐसे नहीं है तो मर्द के साथ एक ताल्लुक है, ये ताल्लुक है कि भाई अगर उनके पास जाएंगे तो पर्दा नहीं होगा। तो पर्दा तो बाद की चीज है, पहले एक फर्ज खोया जा रहा है कि एक आदमी की हयात और जिंदगी है। जब आप उनको जिंदगी बचाएंगे
तो फिर आप ये चीज नहीं देखेंगे। इसकी मैं यूं मिसाल देता हूं कि आप भी जा रहे हैं नदी में और आपके साथ खातून भी जा रही है, और नदी में पानी का बहाव इस तरह हो गया है कि अब वो खातून गिरना चाहती है, तो फिर आप महरम के मसले देखेंगे। आप ये चीजें आप जाकर उसको पकड़ेंगे और उसको बचाएंगे, हाथ देंगे, और ये ऐन इस्लाम के मुताबिक है, इसमें कोई बात नहीं है। मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को बनाया है ना, इसकी इनकी तबाय के अंदर इख्तिलाफ है, नासिर तबीयतों में इख्तिलाफ, और ये इख्तिलाफ को बताया जा सकता है तीन हिस्सों में। तो मुख्तलिफ हालात में आप क्या है? मैं अर्ज करता हूँ, वो जो तबीयत है ना बहुत गर्म, और एक तबीयत है बहुत नरम, और एक दरमियानी तबीयत है। ये जब एक ही वाक्य को फोकस करते हैं तो चूंकि उनकी तबीयत जैसी है इस तरह वो चीज को वो बताते हैं, तो एक का लहजा सख्त होगा और एक का लहजा दरमियाना होगा और एक का लहजा वो इस तरह होगा। अभी तालिबान की बात हुई, सऊदी अरब की बात तो बाद में कर लेते हैं। अब तालिबान पहाड़ों में रहते हैं और यहां हम जिस वहां उन पर ड्रोन का भी हमला होता है, जेट तैयारे का भी हमला होता है, उनके बहुत सारे बच्चे भी मरे हुए होते हैं, उनकी माँ भी तड़प कर मर गई होती है, भाई भी, और उन हर से घरों में ना बिजली होती है, वो पहाड़ी होता है। मैं गया हूँ, अब एक वो माहौल है और एक ये माहौल है कि यहाँ बिजली भी है, यहाँ अमन भी है, यहाँ ड्रोन भी नहीं है, बिजली भी है, पंखा भी चलता है। अब यहाँ जो आदमी बात करेगा वो माहौल से तो अलग, अब वो अगर तलखी आती है उनके लहजे के अंदर, और तलखी बगैर वजह के नहीं आती, कुछ इस तरह तलखी पैदा जाती है, तो उसको हम इस्लाम का मुस्तकिल मिजाज न समझा जाए बल्कि ये वो तलखी से मुतासर बात होती है। मिसाल के तौर पर पानी बह रहा है, नदी है, और नदी का बहुत ज्यादा फायदा है, वो चौपाई भी पीते हैं, आप भी इस्तेमाल करते हो, जमीन भी सैराब होती है, लेकिन कभी कभी उसके अंदर सैराब आ जाता है, सैलाब आता है तो मार धाड़ करता है, उसको गिराए उसको गिराए, दो तीन या तीन दिन होता है, उसके बाद तो फिर पानी अपने पुरानी पोजीशन पर आ जाती है। तो क्या उस सैलाब की तस्वीर को सामने रखकर हम कहेंगे कि पानी की फायदे खत्म हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम एक मुस्तकिल अमन और सलामती का मतलब है। तो अगर वहां से तुर्सी आ गई है या तलखी आ गई है और आप तो ये न समझा जाए कि ये उनका मौके, उनको कन्विंस किया। खूबसूरती का एहसास। खानम साहबा ये बताएगा, एतजाज अहसन ने कहा है कि जो ये राबता जो कमेटीज हैं जो इस वक्त डायलॉग कर रही हैं दोनों तरफ से, उनका कहना है कि इसमें कोई अकलियती रुकन नहीं है और खातून नहीं है। उनकी तजवीज है कि कोई अकलियती रुकन भी शामिल हो ताकि उनके तहफात का ख्याल किया जाए, खातून भी हो। आप क्या कहते हैं इसमें? ये तालिबान मुजाकरात जी जी जो मुजाकरात हो रहे हैं उसमें तो नासिर मैंने आपसे गुजारिश किया था कि हम इन मुजाकरात के हक में नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारा ये मौकफ है कि जो कातिल है उसके साथ मुजाकरात की कोई गुंजाइश बनती नहीं है, और कातिल भी वो नहीं जो तौबा कर चुका है, बल्कि वो कातिल जो मुसलसल सिलसिला बर्बरियत को, कत्लो गारतगरी को जारी रखे हुए है। और आपने देखा कि मुजाकराती अमल का बाकायदा आगाज हो चुका था और तरफैन से गुफ्तगू शुरू हो चुकी थी, टॉक्स शुरू हो चुकी थी, उसके बाद ये जितने खुदकुश हमले किए गए कूचा तालार में जो इनके कमांडर मसगुल ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की, कराची में जो हुआ, तो इस सूरत हाल में हमारा नहीं ख्याल कि मुजाकरात होने चाहिए। जो ये समझते हैं कि मुजाकरात होने चाहिए वो इस सिलसिले में फिर उसमें रद्दोबदल या इजाफा या उसमें आप कहते हैं कि मुजाकरात होने नहीं चाहिए। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, कातिल के साथ मुजाकरात नंबर वन। नंबर टू सर, यहाँ पे देखे सिनेमाज जो पिशावर के अंदर, बेशक आप उनको गलत कहें, वहां लोग हलाक हुए, कराची के अंदर हर जगह पुलिस अटैक हो रही है, फोर्सेस पे अटैक जारी है, सिनेमाज पे अटैक, तो ये किस तरह के मुजाकरात हैं? वो लोग तो अपना काम किए जा रहे हैं, और जो मैडम कह रही है कि कातिल के साथ कैसे मुजाकरात? मैं तो खानम तैयबा साहब के बारे साहिबा के बारे में वो बहुत ज्यादा पोलाइट हूं, उनके साथ जुल्म हुआ, वो बाहर चली गई है, तो कुछ उनके उस लहजे में जुल्म किया गया, उनके वो भी यहां, तो उनके लहजे में थोड़ी सी तलखी है, तो मैं उस तलखी को हटाकर उनकी बात आपके सामने रखता हूं। वो ये है कि हमारी तो कोई बात सनद नहीं है ना, हमें तो फिर जाकर नबी अलैहिस्सलाम की उस पर बर्बाद हो। आप अलैहिस्सलाम का तरीकेकार ये था कि एक आदमी है उसका नाम है वहशी, और उसने उहद के मैदान में हमजा रजी अल्लाह ताला अनहु को न सिर्फ शहीद किया बल्कि जिस्म के 11 टुकड़े बनाए, और नासिर आप समझते हो, फिर उनके वो सीने को चाक करके कलेजा निकाला और हिंदा नामी औरत ने वो चबाया। बहुत मशहूर हुई बात, बहुत ज्यादा मशहूर हुई, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फतह मक्के के मौके क्या कहा? ला तसरीब अलैकुम अल्यौम, आज आप पर कोई सख्ती बदला नहीं होगा। नासिर एक अजीब बात बताऊं, आपने फरमाया जो बेतुल्ला के अंदर हैं वो माफ हैं, और वो लोग जो दार अरकम में चले गए वो माफ हैं, जो दार अबू सुफियान में चले गए वो माफ हैं,
जिन्होंने अपने घरों को बंद कर दिया वो माफ है, जो रास्ते पे जा रहे हैं उन्होंने अपनी तलवारों को नियाम में रखा माफ है, औरतें माफ हैं, बूढ़े माफ हैं, बच्चे माफ हैं। अब किसको मारा जाए? कोई पागल ही होगा जो फतेह मक्का के मौके पर उसने भी तलवार यूं जवान भी होगा और वो आएगा। इसका माना है कि माफी की बहुत सारी गुंजाइश है। नबी अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत नहीं चाहते, उस सुन्नत पर जाना चाहिए। अब जब हम कहते हैं ना जब कत्ल होता है तो मैं नासिर माफी चाहता हूँ, हम मुझे जरा वो हालात ही बता दीजिए कि जब वहां पर आबादियों को निशाना बनाया जाता है ड्रोन से भी और जेट तैयारों से भी। ड्रोन कहां से आता है आप भी समझते हैं? जेट तैयारा, वो जो बेगुनाह लोग मरते हैं, छोटे छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे, उन्हें पता भी नहीं, उनको भी बता दिया जाए ना, उनको भी बता दिया जाए, फिर हम बैलेंस करने के मजाज होंगे कि क्या हुआ। मैं ये समझता हूं जब हम ये कहते हैं कि आप सुलह करो, मुजाकरा करो, इट मीन कि आने वाले खुनरेजी को रोको, और आने वाले खुनरेजी को रोकना ये मेरी भी ख्वाहिश है और खानिम साहब की भी ख्वाहिश है। जी बिल्कुल, इसलिए कि हमारा जो मुल्क है ना उसका मुताबिल नहीं है। जी जी, खानिम साहब कुछ कह रहे हैं, अगर मेरी बात पूरी हो जाए तो मेरी जो तकदीर है उसको मैंने देखा है, उसके अंदर चमन है, फूल है, खुशबू है, मोहब्बत है, प्यार है। मेरे हाथ के अंदर जो तकदीर पकड़ाई गई है ना, उसके अंदर बम धमाके हैं, वो खुदकुशी जबरदस्त, ये चीजें हटाकर मुझे पहली बारी तकदीर मेरी अच्छी तकदीर दे दी जाए, इसके लिए मुजाकरा होनी चाहिए, इससे कोई इंकार नहीं। खानम साहब आप कुछ कहेंगे? जी जी, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि बात ये है कि आका नामदार सरकार रिसालत मात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ला तस्लीबा अलैकुम अल्योम कहा था तो उस वक्त असल में फतेह मक्का हो चुकी थी, तो लोग दरवाजों की दर्जों से भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे थे, और उनका ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना इस बात की गवाही था कि दिल से पढ़ रहे हैं या नहीं, वो अपनी जान बचाना चाहते हैं। तो आका ने उन खौफजदा लोगों को उस वक्त जिंदा जिगर नहीं सबारी थी जब आका ने उसको ला तस्लीबा अलैकुम अल्योम फरमाया था, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि देखिए हमारा जो मौकफ है, बहुत अदब के साथ मैं मुफ्ती साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगी कि उन पर गलत हो रहा है, ड्रोन हमले नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की बालादस्ती पे पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं, हम इसको पसंद नहीं करते, हर गिज इसको हम पसंद नहीं करते, इसकी मुखालिफत करते, मगर जो निहत्ते मासूम बच्चे उसके जवाब में मारे जाते हैं वो उन ड्रोन हमलों का बदला कैसे हो सकते हैं? ये एक गलत चीज है ना, और ये तशद्दुद और इंतहा पसंदी और जुल्म और जोर और जबर और इस्तेबदाद और बर्बरियत की निशानदेही है जिसकी इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। तो हम कहते हैं कि वो किस इस्लाम के फॉलोअर हैं, उस किस इस्लाम के फॉलोअर हैं, हमारे साथ ये है, ये मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, रिएक्ट कर, बाहर जाके पनाह लेने की वजह नहीं है कि मेरे लहजे में सख्ती आ गई है, हमारा ये मौकफ पहले से है उनके बारे में। खैर मैं इस बेस में तो नहीं लेना चाहता, मैं वो भी अर्ज करता हूँ, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमजा रजी अल्लाह तआला कातिल तो माफ हो गया, तो गुंजाइश तो मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि अगर बिलफर्ज व तकदीर आप अमन की तरफ नहीं जाते तो आपको मुसलसल ये आवाजें सुननी पड़ेंगी, इसलिए कि हमारे मुखालिफ भी तो मौजूद है, इंडिया मौजूद है, राय खाद मूसा वो भी, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अमन का गहवारा बन जाए, और जब अमन का गहवारा बनेगा तो ये सारे मसले खत्म हो जाएंगे, सारे मसले खत्म हो जाएंगे। मुफ्ती साहब मुझे वक्त खत्म हो रहा है, फाइनल कमेंट खानम साहबा 10 या 20 सेकंड का प्लीज। जी बस मैं आप देख लीजिए, अब नासिर आप इस बात के गवाह हैं कि राना सनाउल्ला साहब आपकी लाइन पर नहीं आए, और इसी तरह मुझे मुसलसल नजरअंदाज किया गया, और मैंने बार बार ये आपको बता दिया और आज भी आपके चैनल के तवस्सुत से बता रही हूँ कि हमें मुसलसल लेटर्स मौसूल हो रहे हैं, धमकियां मौसूल हो रही हैं, मेरे बच्चे मेरी फैमिली इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है पाकिस्तान में, और मैं खुद पाकिस्तान से बाहर आने पर मजबूर कर दी गई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया खानम साहबा, खासतौर पे बाहर के किसी मुल्क से हमें फोन लाइन पे ज्वाइन करने के लिए, और हम दुआ के हुए हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपकी पूरी फैमिली को हिफ्ज़ो ईमान में रखे, क्योंकि 20 दिन पहले मेरे ही प्रोग्राम में राना सनाउल्ला ने कहा था कि वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की और आपको बाहर जाना पड़ा, एक किसी दूसरे मुल्क यानी मुल्क छोड़ना पड़ा फैमिली के साथ। हम दुआ को हैं, और जी मुफ्ती साहब ईवान लाइन कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये अर्ज करता हूँ, इस पर तो अफसोस है खानम साहब बाहर जाने पर, और अर्ज ये कर रहा हूं कि फौज, पाक फौज मुहारिब है और तालिबान मुहारिब है, इनकी दो शनाख्तें उनको सामने रखा जाए, एक वो पाकिस्तानी है दोनों तरफ वाले और दोनों मुसलमान हैं। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मुसलमानों का और पाकिस्तानियों का खून बहे नहीं ना बहे। मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त दिया, खानम तैयबा साहबा आपका बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन एक बार फिर राना सनाउल्ला ने हमसे कमिट करके प्रोग्राम का कि वो आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे, उसके बावजूद वो प्रोग्राम में नहीं आए। तो नासिर हबीब को अब पूरी बिसात की टीम इस्लामाबाद के साथ इजाजत दीजिए इस नोट के साथ,
कि अकलियतें और खवातीन भी उसी तरह इंसान हैं पाकिस्तान में जिस तरह बाकी इंसान हैं। नासिर हबीब को इस्लामाबाद से इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। इसके ऊपर उसको कत्ल करना चाहा, अभी भी अगर हमको मिले तो हम उसकी कत्ल करने में फख्र महसूस करते हैं। उसने इस्लाम के ऊपर हमला किया। औरतों को मारना इस्लाम में मना है बजुज उस औरत के जो कुफार के साथ जंग में शरीक हो।